अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी विल स्टडी द बबल चैम्बर। ये हमारे पास कुछ कंटेंट्स हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो बबल चैम्बर की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन बबल चैम्बर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है, देन बबल चैम्बर को हम कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, बबल चैम्बर वर्क कैसे करता है, और उसके बाद बबल चैम्बर के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ किया जाता है, और लास्ट पे हम लोग जो है इसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस करेंगे। बबल चैम्बर, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। बबल चैम्बर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बबल चैम्बर, इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि ये जो है एक चैम्बर पर कंसिस्ट करता है जिसके अंदर हम लोगों ने लिक्विड हाइड्रोजन को फिलअप किया होता है। इस लिक्विड हाइड्रोजन में से जब हम चार्ज पार्टिकल्स को पास करवाते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वहाँ वहाँ पे बबल्स बन जाते हैं। देन हम उन बबल्स के ट्रैक के ज़रिए चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। बबल चैम्बर जो है ये 1952 में डोनाल्ड ए ग्लेज़र ने इसको इन्वेंट किया था। देन ए ग्लेज़र को उनकी इस इन्वेंशन की वजह से 1960 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। देन हम थोड़ा सा ऑर्डिनरी मैटर को डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी मैटर हमें पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसके साथ कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एसोसिएट होती हैं जिनको हम फोटोन या गामा रेडिएशंस कहते हैं। बबल चैम्बर से जो हमारे पास फोटोग्राफ्स आती हैं, जब हमने उनको एनालाइज किया तो हमने देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जो कि ऑर्डिनरी मैटर के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स हमारे पास क्यों आते हैं? जब दो हाई एनर्जी पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो उनकी वजह से ये पार्टिकल बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फास्ट प्रोटॉन है और एक स्टेशनरी प्रोटॉन है, ठीक है। जब फास्ट प्रोटॉन स्टेशनरी प्रोटॉन के साथ कोलाइड करता है तो इस कोलाइजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो होता है वो मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हमारे पास मैटर होता है, ये हमारे पास न्यूली फॉर्म्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह रहे हैं, जो कि ऑर्डिनरी मैटर के अंदर नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हमारे पास है बबल चैम्बर का प्रिंसिपल। बबल चैम्बर का प्रिंसिपल बेसिकली सुपर हीटेड लिक्विड के ऊपर बेस करता है। सुपर हीटेड लिक्विड क्या होता है? सुपर हीटेड लिक्विड हमारे पास एक ऐसा लिक्विड होता है जिसको उसके बॉयलिंग पॉइंट से ज़्यादा हीटअप भी कर दिया जाए तो वो बॉयल करना स्टार्ट नहीं करता, मीन उसके अंदर बबल्स नहीं बनते हैं। ऐसे लिक्विड को सुपर हीटेड लिक्विड कहा जाता है। सुपर हीटेड लिक्विड को अचीव करने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को समझना होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर एक लिक्विड को मैंने फिलअप किया हुआ है। जब इस लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एयर के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसको वेपर प्रेशर कहा जाता है, और एयर के मॉलिक्यूल्स भी इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जिनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। जब ये वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो ये लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे पॉइंट को हम लोग बॉयलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो लिक्विड है वो वाटर है। वाटर हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। अब हम इस वाटर को सुपर हीटेड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मीन हम चाह रहे हैं कि इस वाटर को हम 100 से ज़्यादा हीटअप भी कर दें और हमारा वाटर बॉयल करना स्टार्ट भी ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देंगे। अब जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मीन वेपर प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो हम वाटर को ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे। जब हम वाटर को ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। एक वक्त आएगा जब हमारा वेपर प्रेशर जो है वो अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और हमारा जो वाटर है वो अगेन बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इस दफ़ा जब हमारा वाटर बॉयल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर जो है वो है 100 की बजाय 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहले हमारा वाटर 100 पे बॉयल हो रहा था और अब हमारा वाटर जो है वो 120 पे बॉयल हो रहा है। तो मेन अगर अब हम अपने लिक्विड को 115, 116 या 170 तक भी हीटअप कर देते हैं तो वो बॉयल नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमने सुपर हीटेड लिक्विड को अचीव कर लिया। वो कैसे कि पहले तो हमारा वाटर 100 पे बॉयल हो रहा था लेकिन अब हम उसका टेम्परेचर 115 भी कर रहे हैं लेकिन वो बॉयल नहीं हो रहा, मीन सुपर हीटेड लिक्विड हमने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बबल चैम्बर की कंस्ट्रक्शन।
बबल चैम्बर की जो मेन बॉडी होती है वो बेसिकली स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जिसके अंदर वाली साइड पे एक ग्लास बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर हमने लिक्विड हाइड्रोजन, जो कि हमारे पास सुपर हीटेड लिक्विड है, उसको हम लोगों ने फिलअप किया होता है। इसके अलावा इस ग्लास बॉक्स के साथ हम लोगों ने एक प्रेशर सिस्टम भी अटैच किया होता है। वो प्रेशर सिस्टम हम लोगों ने क्यों अटैच किया होता है, ताकि हम प्रेशर को सिस्टम में से रिलीज़ करवा सकें। देन इस पूरे अपरेटस के बाहर वाली साइड पे एक लिक्विड नाइट्रोजन शील्ड होती है। वो लिक्विड नाइट्रोजन शील्ड हम लोगों ने इसलिए यूज़ की होती है ताकि हमारे अपरेटस का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। नेक्स्ट हमारे पास है बबल चैम्बर की वर्किंग। बबल चैम्बर, ये हमारे पास एक ग्लास बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने सुपर हीटेड लिक्विड को फिलअप किया हुआ है। मेनकर लिक्विड हाइड्रोजन को इस ग्लास बॉक्स के अंदर फिलअप किया गया है। इसके अलावा ग्लास बॉक्स के साथ एक प्रेशर सिस्टम भी अटैच है। वो प्रेशर सिस्टम किस लिए है, कि यहाँ से हम लोग प्रेशर को रिलीज़ करवाएंगे। इसके अलावा ये बबल चैम्बर के ऊपर जो है एक हमने कैमराज कुछ लगाए हुए हैं। वो कैमराज किस लिए हैं, कि जब यहाँ से बबल्स के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो बबल्स चमकेंगे और इन कैमराज की मदद से हम उनकी पिक्चर्स को कैप्चर कर लेंगे। देन हम लोग बबल चैम्बर की वर्किंग को देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ से हम लोग चैम्बर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स को एंटर करवाएंगे, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल्स इस लिक्विड में से जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वहाँ वहाँ से ये लिक्विड के एटम्स को आयोनाइज कर देंगे। मीन को वहाँ जहाँ जहाँ से ये चार्ज पार्टिकल्स गुजरेंगे वहाँ वहाँ पर क्या बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। देन इस प्रेशर सिस्टम की मदद से हम लिक्विड में से प्रेशर को इस सिस्टम मतलब चैम्बर में से प्रेशर को रिलीज़ करवाएंगे। जब प्रेशर कम होगा तो हमें पता है हमारा लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन सबसे पहले जो बबल्स हैं वो इन आयंस के ऊपर बनेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आयंस होंगे वहाँ वहाँ पे सबसे पहले जो है वो बबल्स बनेंगे। जब इन बबल्स के ऊपर यहाँ से लाइट फॉल करेगी तो ये बबल जो है ये चमकेंगे और इनको हम कैमरे की मदद से कैप्चर कर लेंगे। देन हमारे पास क्या होगा, कि हम यहाँ प्रेशर सिस्टम की मदद से प्रेशर को बढ़ाएंगे। अब हमें पता है जब हम किसी भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो लिक्विड जो है वो कंप्रेस कर जाता है, ठीक है। तो लिक्विड जब कंप्रेस करेगा तो ये जो बबल्स बने होंगे ये वैनिश हो जाएंगे। मीन हमारा लिक्विड जो है बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजिशन के ऊपर अगेन आ जाएगा। देन हम अगेन चार्ज पार्टिकल्स को एंटर करवाएंगे और ये सारा प्रोसीजर रिपीट होगा। मीन के वो चार्ज पार्टिकल्स लिक्विड के एटम को आयोनाइज करेंगे, देन वहाँ पे बबल्स बनेंगे और बबल्स को हम कैमरे की मदद से कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बबल चैम्बर के एडवांटेजेस। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये हाई और लो आयनाइजिंग पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। मतलब कि ये हाई आयनाइजिंग पार्टिकल्स मीन के अल्फ़ा पार्टिकल्स, हमें पता है उनकी जो आयनाइजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और बीटा पार्टिकल्स ये मतलब हाई और लो दोनों तरह के पार्टिकल्स को जो है ये डिटेक्ट कर लेता है। उसके अलावा जो बबल्स हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं और ट्रैक्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लीन होते हैं, अनडिस्टॉर्टेड होते हैं। इट प्रोवाइड्स द रियल थ्री डायमेंशनल इमेज। बबल चैम्बर का ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये हमें थ्री डायमेंशनल पिक्चर प्रोवाइड करता है। इट कैन बी सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ द मोमेंटम। इसके ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर सकें या डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास बबल जैमर के डिसएडवांटेजेस हैं। पहला तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये मिली सेकेंड्स के लिए सेंसिटिव होता है। दूसरा ये कि बबल चैम्बर जो है ये एक एक्सपेंसिव डिटेक्टर है। देन इसके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। बबल चैम्बर के कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं, हमारे पास बहुत सी न्यू टेक्निक्स हैं, अगर हम उनके साथ कंपेयर करें तो बबल चैम्बर जो है ये बहुत स्लो ऑपरेट होता है। स्लो ऑपरेट क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया कि पहले एक दफ़ा बबल्स बनते हैं, उनकी हम पिक्चर को कैप्चर करते हैं, देन अगेन लिक्विड जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन के ऊपर आता है, अगेन हम चार्ज पार्टिकल्स को एंटर करते हैं, फिर बबल्स बनते हैं, फिर हम पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो होता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये बबल चैम्बर का एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट हमारे पास बबल चैम्बर की एप्लीकेशंस हैं। द बबल चैम्बर इज़ यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द हाई एनर्जी पार्टिकल्स।
बबल चैम्बर जो है ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स को एनालाइज करने में बहुत यूजफुल है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रिसाइजली रेयर डिकेज विद एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ टाइम्स। मीन कि बबल चैम्बर जो है ऐसे डिकेज जिनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है उनकी प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसके रेफरेंसेस आ जाते हैं। थैंक यू।